हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब फिट होंगे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। समझो कि आप किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और लड़की बार बार आपको शादी के लिए फोर्स करती है। आप हर बार इसे टाल देते हैं। आप छुट्टियां मनाने अपने पेरेंट्स के घर आए हैं और उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। तभी एक दिन लड़की आपके घर पहुंच जाती है और आपको शादी के लिए प्रपोज करती है, और आप इसके प्रपोजल को रिफ्यूज करते हुए इससे शादी करने से इनकार कर देते हैं। कुछ देर के लिए सोचिए कि इस लड़की पर क्या गुजर रही होगी। बस कुछ देर के लिए ही सोचिए, क्योंकि अब वो लड़की आपके साथ जो करने वाली है, इसके बाद आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रह जाएगी। आपने कहावत तो सुनी होगी कि एक औरत घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नम भी। तो इस एग्जाम्पल में इस लड़की ने आपके घर को क्या बनाया होगा, इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अभी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ आज के हमारे केस के फैक्ट्स की तरफ। सो लेट्स बिगिन। आज के इस केस में लड़का और लड़की तकरीबन 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लड़की के बार बार असरार करने के बावजूद भी लड़का हर बार उसे टाल दिया करता था। एक दिन लड़की अपने भाई के साथ लड़के के घर पहुंच जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। लड़का ना चाहते हुए भी इसके प्रपोजल को रेफ्यूज करते हुए इससे शादी करने से इनकार कर देता है। लड़की गुस्से में आकर लड़के और इसकी फैमिली के अगेंस्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 2 क्रिमिनल केसेस फाइल करती है। पहला केस सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत फाइल करती है, और दूसरा केस सेक्शन 323, 504 और 506 IPC के तहत फाइल करती है। और लड़के को ये धमकी देती है कि अगर वो इससे शादी करने से इनकार करता है तो वो उसे जान से मरवा देगी, और अगर वो शादी के लिए तैयार हो जाता है तो इसके और इसकी फैमिली के अगेंस्ट फाइल किए हुए दोनों क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ कर लेगी। लड़का मरता क्या ना करता, प्रेशर में आकर वो लड़की से शादी के लिए तैयार हो गया। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सेक्शन 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेमैन वर्ड्स में समझ सकते हैं। शादी के बाद भी लड़की लड़के को बोगस 498 के केस में फंसाने के लिए धमकियां दिया करती थी। रोज रोज की धमकी और मेंटल क्रुएल्टी से तंग आकर लड़के ने पहले पुलिस स्टेशन में लड़की के अगेंस्ट लड़के को बोगस 498 के केस में फंसाने की धमकी देने के लिए कंप्लेंट फाइल की, और फिर सिविल कोर्ट में मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड पर लड़की से डिवोर्स हासिल करने के लिए डिवोर्स पिटीशन फाइल किया। यहां लड़की ने भी अपनी धमकी पर एक्शन लेते हुए लड़के और इसके घरवालों के अगेंस्ट 498 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में केस फाइल किया। इस केस का कंप्लीट ट्रायल चलने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट ने लड़के और इसके घर वालों को 498 के केस से बाइज्जत बरी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सिविल जज ने भी क्रुएल्टी के ग्राउंड पर लड़के की डिवोर्स पिटीशन को अलाउ करते हुए लड़के के फेवर में अपना ऑर्डर पास कर दिया। लड़की सिविल जज के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं थी, इसलिए इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज करते हुए अपील फाइल किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लड़की की अपील को अलाउ करते हुए सिविल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। डिससेटिस्फाइड लड़के ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में ये सेकेंड अपील फाइल किया। एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट लड़के के एडवोकेट ने यह आर्ग्यू किया कि लड़की ने लड़के के डिवोर्स पिटीशन पर पास किए हुए सिविल जज के ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज तो कर दिया, लेकिन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मतलब लड़के के साथ रहने के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं किया। लड़की का लड़के और इसके घर वालों के अगेंस्ट फाइल किए हुए 498 के केस को पूरी तरह से फॉलो करना और उसे अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, ये साबित करता है कि लड़की का इंटेंशन कभी भी लड़के के साथ रहने का था ही नहीं। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट का लड़के और इसके घर वालों को इस ग्राउंड पर बाइज्जत बरी करना कि प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में पूरी तरह से नाकाम रहा कि लड़के और उसके घर वालों ने कभी भी लड़की के ऊपर 498 का ऑफेंस कमिट किया है। लड़की का लड़के और इसके घर वालों को फॉल्स और बोगस 498 के केस में फंसाना मेंटल क्रुएल्टी के मुतरादिफ है, और इस बिना पर लड़का लड़की से डिवोर्स हासिल करने का हकदार है, और इसलिए लड़के के डिवोर्स पिटीशन पर पास किए हुए सिविल जज के ऑर्डर को कंफर्म करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लड़की के एडवोकेट ने आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा कि लड़का और लड़की पहले से ही हस्बैंड और वाइफ की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और बार बार शादी के लिए असरार करने के बावजूद भी जब लड़का शादी के लिए तैयार ना हुआ तो मजबूरन लड़की को लड़के के अगेंस्ट 2 क्रिमिनल केसेस फाइल करने पड़े, और शादी के फौरन बाद ही 1 महीने के अंदर ही लड़की ने वो दोनों केस विड्रॉ कर लिए। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि शादी के बाद तकरीबन 2 सालों तक
किसी ने भी किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट या कोई केस फाइल नहीं किया, और जब लड़के ने लड़की को घर से बाहर निकाल कर पुलिस स्टेशन में लड़की के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया, तो मजबूरन अपना हक हासिल करने के लिए लड़की ने भी लड़के और इसके घर वालों पर 498 का केस फाइल किया। दोनों एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि लड़की का लड़के और इसके घर वालों के खिलाफ फॉल्स और बोगस 498 का केस फाइल करना, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने लड़के और इसके घर वालों को बाइज्जत बरी कर दिया, क्रूएल्टी के मुतरादिफ है और इस बिना पर लड़का लड़की से डिवोर्स हासिल करने का हकदार है। इस तरह हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के ऑर्डर को कन्फर्म करते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। हे दोस्तों, ये टू इंसिडेंट्स मैंने आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से बताया है जो कोर्ट ने मंगेश भुईर वर्सेस लीना भुईर केस में दिया था। अगर आप इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, जो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, क्योंकि इस जजमेंट में और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट हैं जो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैंने सारे कवर नहीं किए हैं और जो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए लाइक करें अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। नाउ टू एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।